हेलो एंड वेलकम टू आवर शो द कूल कलिंगा किचन। देखिए, डिश का नाम बोलने से पहले ही यहाँ पर सबने अपनी नाक पे क्लिप लगा के रखा है। क्यों भला? दरअसल आज जो बनने जा रहा है उसका नाम है चिंगुड़ी सुकुआ बाटी बसा। चिंगुड़ी जो होता है, मैंने पहले आपको बताया है, या तो श्रिम्प या प्रॉन, उसके साइज पर डिफर करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं। और सुकुआ यानी ड्राई फिश। अब ड्राई फिश जहाँ जहाँ बनता है पूरे गली मोहल्ले में फैल जाता है कि आज इनके घर में ड्राई फिश बनता है। तो हमारा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि जब आप ड्राई फिश घर में बनाएं तो खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए, ताकि जल्दी से इसका स्मेल है वो बाहर चला जाए। क्योंकि नॉनवेज खाने वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो मतलब रेगुलर खाते हैं। तो सोचिए वेजिटेरियन के वालों, मतलब वेजिटेरियन जो है उनके लिए खाने में कितना तकलीफदेह होगा। इसीलिए आज हम बनाएंगे चिंगुड़ी सुकुआ बाटी बसा। अब यहाँ आपको बता दूँ, बाटी बसा का मतलब होता है बाटी यानी कटोरी, नहीं कटोरा। उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें लगती हैं, वो सब मिक्स होंगी। और डायरेक्टली चूल्हे में बनता था पहले स्टीम में, लेकिन दरअसल हमारे पास ना तो चूल्हा है ना वो कटोरा है, तो आज हम बनाएंगे गैस पे और छोटी कढ़ाई में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा चिंगुड़ी सुक्को बाटी बसा। चिंगुड़ी सुकुआ बाटी बसा के लिए सबसे पहले, जैसा नाम है चिंगुड़ी, हमें चाहिए वो भी ड्राई चिंगुड़ी। तो ये ड्राई चिंगुड़ी का एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जब भी आप ड्राई फिश कोई भी इस्तेमाल करें, चाहे वो श्रिम्स हो, प्रॉन हो, या फिर फिश हो, किसी भी तरह का फिश हो, उसको एक दो घंटा आप पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी लिया है, इसमें डाला, और सेम हाफ टी स्पून नमक, ठीक। तेल इसमें फ्राई करने के लिए चाहिए, तो हाफ टी स्पून पंचफोरन, जैसे ही तेल गर्म होता है श्रिम्प्स को एक्चुअली भुनेंगे। अब बारी है श्रिम्प्स की। अच्छे से श्रिम्प्स को भुनना है, जैसे मैंने बोला कि कढ़ाई में आपको मिक्स करना है, तो हम कढ़ाई में डालेंगे बाकी सारी चीज़ें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा आलू जो है उसको कट किया है। आलू कट किया, ये लीजिए, पहले हमने डाला आलू, क्योंकि सब कुछ उसमें मिक्स होगा, उसके बाद ही गैस पे चढ़ेगा, और इसमें कुछ पकाना नहीं है, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब ये रहा टमाटर, टमाटर में भी मैंने यहाँ एक फुल टमाटर लिया है, एक प्याज, प्याज ही मैंने इसमें डाला है, ये भी एक मीडियम साइज का ही प्याज है। इसके बाद ये है हमारा मस्टर्ड पेस्ट। अब मस्टर्ड में यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड लिया है, उसके साथ 1 लाल मिर्च सूखी, और 1 टीस्पून जीरा ये डाला है, और 5 जो क्लोव है गार्लिक के, 5 गार्लिक के क्लोव उसमें डाल के मैंने पेस्ट किया है। अब हम डालेंगे मिर्च इसमें, 1 साबुत मिर्च डालेंगे, 2, 3, 4। हल्दी इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून, नमक भी हाफ टी स्पून। अब इस सब पेस्ट को आराम से सब्जी के साथ मिक्स कर देते हैं। मस्टर्ड ऑयल, अब इसमें डालेगा पानी, पानी हमने डाला क्योंकि ये स्टीम में ही आलू पकेगा अभी। अब चढ़ाते हैं बाटी बसा, यानी जो हमने मिक्स किया था, अब उसकी बारी। ये हमारा आराम से लेके, जैसे ही हमारा बॉयल हो जाते हैं वेजिटेबल यानी आलू टमाटर वगैरह, उसके बाद डलेगा हमारा श्रिम्प जिसको भून के रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा यह हमारा 15 मिनट लगेगा, बस तब तक आपका तैयार हो जाएगा। देखिए 15 मिनट मैंने बताया था, तो 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही आलू ऑलमोस्ट आपका डन हो जाएगा ना, उसके बाद हमें डालना है उसमें चिंगुड़ी।
देख लेते हैं। यस, आलू ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तब तक हम डालते हैं उसमें जो भुना हुआ चिंगुड़ी है उसको डाल देते हैं। ढक देते हैं। ओके, सो 5 मिनट हमारा हो चुका है। अब हमारा ये भी बन चुका है चिंगुड़ी सुकुआ बाटी बसा, देखिए परफेक्ट। अब इसको टेस्ट करते हैं। सो लेट्स टेस्ट इट। परफेक्ट। देखिए जो सन ड्राई श्रिम्स होता है वो सिर्फ टेस्ट वाइज गुड नहीं होता, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत सारे हैं। तो आपके लिए एक टास्क है, पूरे हफ्ते में आप हमें लिख के भेजिए कि सनराइज श्रिम्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए इंटरेस्टिंग से डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।